हापुड़ के 15 वर्षीय सुभान अहमद चौधरी का 786 नंबर वाले नोट इकट्ठा करने का शौक है। सुभान का कहना है कि वो 786 को लकी नंबर मानते हैं, इसलिए वो ये नोट इकट्ठा कर रहे हैं। पिछले लगभग 3 साल से वो 786 लिखे नोट अपने पास जमा कर रहे हैं। एक बार पापा ने मुझे 786 का 10 रुपए का एक नोट दिया था, ऐसा लक ऑन माय बर्थडे। तब से मैं 786 के हर नोट को कलेक्ट करता आ रहा हूँ। कितना समय हो गया रखते हुए, कितने साल हो गए? लगभग 3 साल हो गए। अच्छा, कौन कौन से आपके पास नोट है 786 के? 100 का नोट है, 50 का नोट है, 10 का नोट है, 5 का है, 1 का है, बहुत सारे नोट है। 786 जैसे लिखा हुआ आप इकट्ठा करें, क्या मतलब, क्यों मानते हैं आप 786 क्यों रखा आपने? 786 एक लक नंबर है, इसलिए। क्या उद्देश्य अभी नहीं इकट्ठा करने का, और क्या सोच आगे की आपकी? मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे पास नोट इकट्ठे हो जाएं, फिर उसके बाद मेरा गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम आ जाए। पैसे कौन देता है आपको ये जो ज्यादातर? मुझे पैसे दाई दादू और मेरे पापा देते हैं। आपको बता दें कि हापुड़ की बुलंदशहर रोड पर स्थित आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले सुभान अहमद चौधरी 12 साल की उम्र से ही 786 के नोट इकट्ठा करने में लगे हैं, और पिछले 3 साल से वो एक एक कर कई सारे 786 नंबर वाले लिखे नोट इकट्ठा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने बर्थडे पर उन्हें एक नोट दिया था जिस पर 786 लिखा था, तभी से उन्होंने ठान लिया कि वो 786 के नोटों को खर्च नहीं करेंगे बल्कि इकट्ठा करेंगे।